कर्रापुर में तेज मुत्ता कार्यक्रम से प्रभावित होकर 59 नक्सलियों ने नक्सल समर्थकों ने आपको बता दें कि हथियार डाल दिए हैं। पूरा मामला दोरनापाल का है, जहां पर नक्सलियों ने बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा और सुकमा एसपी अभिषेक मीना, दोरनापाल एसडीओपी विवेक शुक्ला और सीआरपीएफ 228 बटालियन के कमांडेंट पंकज कुमार के सामने आत्मसमर्पण किया। गौरतलब है कि सभी नक्सलियों पर कई मामले दर्ज थे, साथ ही नक्सली समर्थकों पर सामग्री पहुंचाने और नक्सली कार्यों में संलिप्त रहने के भी आरोप थे। वहीं समर्पण करने वाले 59 नक्सलियों में 47 पुरुष और 12 महिला नक्सली शामिल हैं। सभी को प्रशासन की ओर से 10,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। आप क्या करते थे अंदर? सुकमा जिले के पुलिस को एक बड़ी सफलता के रूप में सबसे बड़ा फायदा। और एक बात बता दूं, कल ही गोगुंडा में भी डीआरजी की टीम ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद फिर एर्राबोर में इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है सुकमा एसपी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस सरेंडर को लेकर वो क्या कहते हैं। जी सरेंडर के बारे में, ये सिर्फ सरेंडर की हमको संख्या में देखना चाहिए, इसी के मायने में बढ़ा रहे हैं। हमको ये देखना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों से लोग ग्रामीण हिम्मत करके आज पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने आए हैं। एक गगनपल्ली एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से स्टार्टिंग में नक्सलियों का उद्भव जो संभावना हुआ था, ऐसे क्षेत्रों से डब्बा को उठाना चाहिए जो आज भी कोर एरिया है और यहाँ से 30 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर, ऐसे ही एहटा पहाड़ के लोग आए हैं और भी बहुत से लोग आए हैं। तो ये हमको समझने की जरूरत है, आज जो ग्रामीणों की हिम्मत दी जाएगी, यही हिम्मत नक्सलियों को पराजित करेंगे। बंदूक की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, बंदूक की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। सबसे बड़ा इसमें योगदान जो है उन ग्रामीणों की हिम्मत का, जिस दिन ये ग्रामीण यहाँ के जागरूक खड़े हो गए, उस दिन नक्सलियों खत्म हो गए। नक्सलियों में आज इनकी अंधकार का, इनकी अशिक्षा और बाकी का, इनके जो इग्नोरेंस है उसी का फायदा होता है। जिस दिन ये लोग समझ गए कि इनका भलाई किस चीज में है, उस दिन नक्सलिया नहीं थे। आखिर उनकी ताकत यही थी, जो हमारे ग्रामीण लड़के हैं, पूरी बटालियन जो बनी हुई है वो लोकल लड़कों की बनी, उसमें जो लीडर है वो जो बाहर के हैं, जो बटालियन है वो लोकल लड़कों, वो उन लोगों को जिसमें समझ में आ गया कि उनकी भलाई किस चीज में है, कि कोई जंगल में लड़ने की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, ये विचारधारा है, ये भावन विचारधारा है और कुछ नहीं। उस दिन ये लड़ाई हम लोग जीते, उस दिन ग्रामीण खुद हमारे साथ आएंगे, जैसे आ जाए हैं और भी अंदरूनी क्षेत्र के आएंगे, उनके नाम को लेकर। तो ये थे सुकमा एसपी, जिन्होंने कहा कि नक्सलियों का हिम्मत करने के लिए हम तो खड़े हैं, साथ ही लोगों को भी हिम्मत करके आगे आना पड़ेगा। एर्राबोर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवा यादव, रायगढ़।